हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब भी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का मैं अपना वीडियो बनाने के लिए मॉर्निंग से सोच रही हूँ। मुझे एक्चुअली ये नॉर्मल ऐसा व्लॉग नहीं है, पूरे दिन का रूटीन नहीं है। मैं ट्रेवल से रिलेटेड चीज़ें आज बताना चाहती हूँ और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है मैं वही बता रही हूँ। और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये हर किसी के लिए, जो भी लॉन्ग जर्नी पर, लाइक लॉन्ग जर्नी इट मीन्स की लाइक US टू इंडिया, इंडिया टू US या किसी और कंट्री में भी जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आज मैं सुबह से वही एक चेकलिस्ट बना रही थी कि इस चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए जो हर किसी के पास ट्रेवल करने से पहले वो रेडी कर ले, 10 दिन पहले रेडी कर ले, ताकि एक एक करके वो अपनी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर ले, अच्छे से रख ले। बहुत बार यू नो जब हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट पर, उस टाइम हमें पता चलता अरे यार मैं ये चीज भूल गई, अरे मैं वो चीज भूल गया। स्पेशली जिनके पास बच्चे हैं उनका तो बिल्कुल बैंड बज जाता है एयरपोर्ट पर, बच्चे चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। और हमारे पास कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे उनको बहला सकें, मना सकें, या फिर हमारी खुद की भी पर्सनल ऐसी चीजें होती हैं जो वहां जाकर के, ऐसे छोटी सी वो चीज होती है ना, तो वो दिमाग में भी नहीं आती है कि अरे इसको रख लिए रहते हैं घर से, वो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हमें से पासपोर्ट अपना याद रहता है, अपने कपड़े याद रहते हैं, बाकी की ऐसे छोटी छोटी चीजें नहीं याद रहती हैं। तो उसके लिए मैंने एक पूरी लंबी सी चेकलिस्ट बनाई है और उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कोशिश करूंगी कि अलग अलग करके ऐसे डिस्क्राइब कर दूं, बिकॉज अगर आप लोग ये वीडियो देख करके नहीं समझ सकते हैं तो उस लिस्ट को देख करके अच्छे से अपनी पैकिंग कर सकते हैं। स्पेशली हमारे पेरेंट्स जब आते हैं वो बेचारे डरे सहमे से रहते हैं, इस चक्कर में वो अपनी पैकिंग भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं और कितनी सारी चीजें सामने आती हैं जिनको हैंडल करना पड़ता है। बट चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज थोड़ी सी चीजें इसके अंदर हैं जो मुझे बतानी होंगी। तो लाइक US टू इंडिया वाला ही पहले कर लेते हैं, बिकॉज यू नो मैं यहाँ रहती हूँ US में, तो मेरा एक्सपीरियंस यहीं का ज्यादा अच्छा रहा है। बट ये सबके लिए है, मैं पहले भी कह रही हूँ सबके लिए है। तो पहले आप अपना एक चेकलिस्ट बनाओ। सबसे पहला तो यही चीज है कि आप अपना एक बना लो लिस्ट की आप किन किन चीजों को ले जाओगे, ताकि टू डू लिस्ट जो होता है कि आप एक एक कट करते जाओगे कि ये रख लिया, ये कट कर दिया, ये भी रख लिया, ये भी कट कर दिया। तो हमें 3 बैग की जरूरत होती है, मुझे ऐसा लगता है कि 3 बैग्स की जरूरत होती है जब भी हम कहीं लंबे जर्नी पर जा रहे होते हैं। एक शोल्डर बैग होता है, एक कैरी बैग होता है, एक चेकिंग बैग होता है। तो शोल्डर बैग में हमें किन किन चीज़ों को रखना चाहिए, उसे कभी भी हम कैरी बैग में न डालें तो ही अच्छा है, बिकॉज यू नो हम उसे लगेज वाले स्पेस में रख देते हैं, बार बार उसको उतारना निकालना, इतने लोग होते हैं, हमारा इकोनॉमी सीट भी होता है, हम कोई बिजनेस क्लास वाले तो है नहीं कि जो मस्त में ऐसे बैठे हुए हैं। तो शोल्डर बैग ज़रूर यूज़ करें आप लोग। और उसमें क्या क्या रखना है मैं वो लिस्ट में रखी हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं देख के भी आप लोगों को बताती रहूँगी। तो शोल्डर बैग के अंदर हमें एक्चुअली सबसे पहला जो हमारा है वो तो हर किसी को पता है कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ का पासपोर्ट होना चाहिए। तो आप उसमें पासपोर्ट रखो, अच्छे से देख लो कि वो एक्सपायरी तो नहीं हुआ है, एक्सपायरी पासपोर्ट नहीं चलता है, है ना। दूसरा हमें टिकट्स अपने चाहिए, और हमेशा ही जब भी हम इतनी लंबी ट्रेवल करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी 2 फ्लाइट्स होती हैं, तो दोनों टिकट्स अच्छे से हमारे पास होनी चाहिए, बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए, वो छूट गया तो आप वहीं रह जाओगे। उसके बाद हमारी कीज़ होनी चाहिए, आप अपने गाड़ी से आते हो तो उसका भी की होना चाहिए, घर का की होना चाहिए, सारे डोर वगैरह आप चेक कर लो, विंडोज चेक कर लो कि वो सही से लॉक है कि नहीं, आपके घर के हीटर्स वगैरह होते हैं, AC होते हैं, जो भी आपका फ्रिज वगैरह होता है, आपको टेम्परेचर कितना रखना है, सब कुछ सेटअप कर लो। इवन हम लोग तो वेंट फैन भी बंद करके आते हैं, बिकॉज वेंट फैन अगर चलता रहेगा और हीटर भी चल रहा है तो बिल फालतू में बढ़ता रहता है, तो उसको भी बंद करते हैं। तो पासपोर्ट है, टिकट्स हैं, कीज हैं हमारे, और हमारा चार्जर जो कि सबसे ज़्यादा मस्ट है, मोबाइल है तो चार्जर होना, मोबाइल या लैपटॉप या आईपैड जो भी आपके पास हो, सारी चीज़ों का चार्जर लेना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत बार लोग एक दूसरे से मांगने लगते हैं, मैंने एयरपोर्ट पे देखा है, तो फिर उसमें बड़ी परेशानी हो जाती है, बहुत बार लोग अपना देना नहीं चाहते हैं, कुछ लोगों को खुद की इतनी ज़रूरत होती है कि वो देना चाहते हुए भी नहीं दे पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और हमें अपना खुद का सारा सामान लेकर के चलना चाहिए। उसके अंदर आपको अपनी करेंसी, जहां भी जा रहे हो वहां की करेंसी, पैसा होना थोड़ा सा बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा पैसे लेने की जरूरत नहीं, बट आपको अगर आप जैसे US आ रहे हो, इंडिया टू US आ रहे हो आप, तो आपको कुछ डॉलर रखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आप $100, $50 जो भी रखना अपने पास रख लो, इमरजेंसी में कभी भी काम आ सकता है, क्योंकि परेशानी पूछ कर नहीं आती है, परेशानी कभी भी किसी के ऊपर आ जाएगी, उस समय अब हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार कास्ट की रख लिए होते, है ना। तो डॉलर जरूर रखें, पैसा करेंसी जरूर रखें। हमें पेन, एक पेन का
होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एक फॉर्म मिलता है फ्लाइट के अंदर जिसको हमें भरना होता है। मैं उसके बारे में आगे बताऊंगी कि वो कौन सा फॉर्म होता है, बट अभी एक पेन जरूर रखें अपने पास। मैं तो कहती हूँ दो रख लें, कहीं एक नहीं चला तो। और पेन रिलीवर जो कि सबसे मस्ट होता है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, मेरे साथ तो यार कभी नहीं हुआ है कि मैं इतनी लंबी जर्नी में आऊं जाऊं और मेरा बॉडी एक या हेडेक ये सब ना हो। होता ही है, कभी कभी थोड़ा बहुत फीवर जैसा भी हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर का पता नहीं होता है यार फ्लाइट के अंदर। बहुत बार वो लोग बिल्कुल नॉर्मल ठीक ठाक रखते हैं, सडन से इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो नहीं बर्दाश्त हो पाता है। तो पेन रिलीवर ज़रूर रखें अपने पास निश्चित रूप से। देन नंबर आता है हमारे कैरी बैग का, और कैरी बैग के अंदर भी हमें कुछ चीज़ें बच्चों वाले के लिए भी, जिनके बच्चे हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वो इसमें रखें। इन जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी अपनी कुछ चीज़ों को ऐसे रखेंगे तो उनके लिए भी ट्रेवल काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो कैरी बैग के अंदर हमारा सबसे पहले आता है, जो कि आप सबसे पहले लोग इग्नोर कर देते हैं, लोशन। मुझे लगता है कि इतनी दूर आप आते जाते हो, बार बार हैंड वॉश करते हो, टॉयलेट जाते हो, तो लोशन एक जरूर रखें छोटा सा। और लोग कहते हैं लिक्विड अलाउड नहीं है, बट लिक्विड है। 100 ml का आप कोई भी पैकेट या फिर डब्बा ले सकते हो, मैं हर बार ही लेके जाती हूँ। शुरू शुरू में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे साथ कितनी परेशानी हुई थी, बड़े बड़े से डब्बे थे, बड़ा पैकेट था मेरे पास, उसको निकाल के उसने बाहर फेंक दिया। मेरी आंखों के सामने मेरे सामान को गार्बेज में फेंक दिया गया, बिकॉज वो 250 या 300 ml का मैंने खरीद लिया था। बट बाद में रिशु ने अच्छे से चेक किया, उस टाइम यू नो वो अपना सामान तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन बच्चे वाले के साथ कैसे चलना है उसको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसने इतना आइडिया नहीं दिया था मुझे। बट आते जाते बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है। तो आप लोशन रख लो, अपना वैसलीन रख लो, जो भी आपको लिप केयर लगाना हो, ये छोटी छोटी चीज़ें अपने बैग में जरूर डाल लो। फिर एम्प्टी वाटर बॉटल, बिल्कुल भरा हुआ बॉटल आप लेके ना चलें कि चलो भरा हुआ बॉटल लेके चल रहे हैं, इसको सीधे बोर्डिंग में डाल लेंगे, फ्लाइट के अंदर चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपका फालतू में बॉटल भी फेंक दिया जाएगा, और उसके पास अगर एम्प्टी बॉटल आपके पास नहीं रहा तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले तो पानी पीना ही, कुछ लोगों के लिए तो टॉयलेट में भी भी एक जरूरत की चीज होती है, बट उसके लिए छोटे छोटे से ग्लासेस अंदर रखे होते हैं। एक्चुअली लोगों को लगता है वो क्यों रखा है, लेकिन मैंने आज एक वीडियो देखी है, मैं कभी जरूर शेयर करूंगी उसके बारे में भी, कि वो जो छोटे से ग्लास अंदर रखे होते हैं वो उसी के लिए होते हैं कि आप सफाई कर सको। जिन लोगों को टॉयलेट पेपर से सफाई करने की आदत नहीं है वो उसे यूज कर सकते हैं। आई नो कि वो बहुत छोटा होता है, उससे क्या होगा, बट फिर भी जहां कुछ नहीं है वहां कुछ तो है ना। एयर होस्टेज वगैरह जो होती हैं, अगर आप उनको बोलते भी हो ले आने के लिए पानी, तो वो इतना ज़्यादा ठंडा पानी ले आएंगी, दूसरे इतने छोटे से ग्लास में आपके सामने लेकर खड़ी होंगी, और बार बार बुलाने में भी बहुत परेशानी महसूस होती है। तो अपना बॉटल भर के अपने पास रख लिया, काम चलता है काफ़ी देर तक। देन टी पाउच, क्योंकि बहुत लोगों को कॉफ़ी नहीं पसंद होता है, चाय ही पसंद होता है, जिसमें से मैं हूँ, मुझे कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे चाय ही पसंद है। तो टी पाउच जरूर रखे, अभी तक मैंने उसका इस्तेमाल एक्चुअली पहले कभी नहीं किया है, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि टी पाउच आता है और बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी होता है, तो उसको अपने पास रखें, आपको सही काम आएगा। मेरे इन लॉज आने वाले हैं तो मैंने उन लोगों को भी यही बोला है, रिशु ने भी बोला है कि वो ज़रूर रखें, उन्हें काफ़ी काम आएगा। सर में दर्द वगैरह भी मोस्टली लोगों को चाय ना पीने की वजह से हो जाता है। और फिर आता है स्मॉल स्नैक्स पैकेट, जो कि आप ज़रूर रखें अपने पास, क्योंकि उनका जो स्नैक्स होता है बहुत लोगों को बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता है। फ्लाइट के अंदर जो स्नैक्स मिलते हैं ना वो हमारे टेस्ट में नहीं होता है, तो आपका जो अपना खुद का टेस्ट है उसके लिए छोटा छोटा सा पैकेट, बड़े पैकेट्स कभी ना रखें, क्योंकि आप खोलते हो फिर वो बंद नहीं होता है अच्छे से। छोटे पैकेट्स रखोगे एक बार में ख़त्म भी हो जाएगा, तो सही चीज़ है छोटे पैकेट ही रखें। उसके बाद अपना कंप्यूटर है, लैपटॉप है या आईपैड है, जो भी आपके पास है उसको अपने पास ही रखें, क्यों बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेरे को लगता है कि यूज़फुल हो जाता है फ्लाइट के अंदर, मैंने ऐसा किया है। देन अपना स्वेटर और सॉक्स ज़रूर अपने पास रखें, मैंने गलती आगे कर चुकी है, मेरे को लगा था कि चलो फ्लाइट के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, क्या ज़रूरत है अपना कुछ सामान ले जाने का। मेरी मदर इन लॉ भी ने भी यही गलती की थी, मैं उनको भी बताना भूल गई थी कि लाइक छोटे छोटे से ब्लैंकेट मिलते हैं यार, उससे कुछ होता भी नहीं है। बहुत लोगों को शायद ठंडी उतनी ना लगती है, और बहुत बार टेम्परेचर बहुत ही नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ बार टेम्परेचर वो लोग इतना ज़्यादा लाइक लो कर देते हैं कि एकदम ठंडी सी लगने लगती है, सडन से आपके पैर वैर ठंडे हो जाएंगे, फिर आप 2-3 ब्लैंकेट मांगो और ओढ़ो, फिर आप समझ सकते हो कि खड़े होकर के आप वॉक भी नहीं कर सकते, 3-4 ब्लैंकेट ओढ़ के यार कैसे कोई वॉक कर सकता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेच करना भी ज़रूरी होता है। तो अपना एक पतला स्वेटर और अपने सॉक्स अपने साथ जरूर रखें, उसके बिना ट्रैवल ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कैसा हो जाएगा अंदर का टेम्परेचर।
देन उसके बाद कोई भी चीज़ आप ला रहे हो तो बैटरी के साथ ही लेकर के चलो, ऐसा नहीं है कि बीच रास्ते में हम यूज़ कर रहे हैं बैटरी या चार्जर गायब हो गया, तो ऐसी गलती ना करें, ज़रूर रखें, इसलिए चेकलिस्ट ज़रूर बनाएं। उसके बाद जो लोग बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। छोटे बच्चे हों तो उनके लिए डायपर, जो कि मस्ट, मैंने भी लिया था अपने बच्चे के लिए, वो 1 मंथ की, तो क्या था, डायपर तो ज़रूरी है ना। तो डायपर्स, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि इंडिया के डायपर्स से बहुत ज़्यादा रैश हो गया था मेरी लड़की को, तो अगर आपकी, मतलब जैसा मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बैग तो आप पूरा डायपर ही भर लो अच्छे से, भले ही आपका अपना लगेज कम हो जाए, आपके अपने कपड़े कम हो जाए, कपड़े वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ जो डायपर मिलता है उससे बहुत रैशेज हो जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों के साथ कैसा हुआ है, तो डिपेंडिंग ऑन यू कि आप डायपर कितने भरते हो, लेकिन कुछ डायपर तो चाहिए जो फ्लाइट में काम आ जाए, वाइप्स, क्योंकि बार बार आप पानी से धुल नहीं सकते हो, तो वाइप्स भी ज़रूर अपने पास रखो। फॉर्मूला मिल्क, जो कि हर किसी को पता है कि आप बहुत बार अपना दूध नहीं पिला सकते, स्पेशली 2 साल के बच्चे को, तो आप उसमें अंदर जो दूध मिलता है बहुत बार लोग गर्म नहीं करते हैं। मुझे याद है कि मैं कोरिया वाली फ्लाइट ली थी, वो लोग दूध वार्म नहीं किए, बोलते थे ठंडी दूध ही पिलाओ, फिर बहुत परेशानी हो जाती है। तो आप फॉर्मूला मिल्क लेकर के अगर चलते हो तो पानी में घोलते हो और फटाफट पिला देते हो, वो ठंडा भी अच्छा ही लगता है। उसके बाद यहाँ एक गर्बर फूड मिलता है, आई डोंट नो कि इंडिया में किस नाम से मिलता है, लेकिन गर्बर फूड बहुत ही सही होता है। वो पैकेट में आते हैं अलग अलग फ्लेवर्स में, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, रसबेरी है, बहुत सारे होते हैं, तो कोई भी आप ले लो, बहुत ही अच्छा होता है यार, जैसे टूथपेस्ट होता है ना उस टाइप से होता है, तो बस खोला और खिला दिया, बहुत इजी है, तो वो ज़रूर अपने साथ कैरी करें। कलरिंग किट हम लोग रोज़ के लिए हर बार लेके जाते हैं, बच्चों को जिस चीज़ का शौक है आप वो चीज़ ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि यू नो इतनी भारी नहीं होती है, 2-4 स्केच पेन ले लिया, मार्कर ले लिया, एक कलरिंग बुक ले लिया, बहुत लंबे टाइम तक बच्चे उसमें बिजी रहते हैं, मेरी लड़की स्पेशली बहुत बिजी रहती है। और टॉयज हैं छोटे मोटे जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ना बचपन में, कि ये ही वाला सॉफ्ट टॉय मुझे चाहिए, जो हमेशा वो अपने पास होल्ड करके रखते हैं। आईपैड, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मोबाइल, आईपैड या मोबाइल जो भी उसमें हो, आप उसमें गाना ज़रूर डाउनलोड करें, या फिर जो भी वीडियो आपको करना है 50 कर लें, 100 कर लें, मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि वाईफाई तो चलता नहीं है, तो बच्चों को जितने भी सॉन्ग्स पसंद है उसमें भर लो यार, कम से कम ट्रेवल आपका इजी हो जाएगा, वो भी शांति से, हम भी शांति से, है ना, थोड़ी देर आप सो भी सकते हो, और जैसा मैं करती हूँ। और फिर नंबर आता है कि आप अपने चेकिंग बैग में किन चीज़ों को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि मुझे भी एक्चुअली बहुत सारा आइडिया नहीं है, रिशु ने मेरी बहुत हेल्प की है इन सारी चीज़ों में, क्योंकि अगर मैं कभी अकेले ट्रेवल करती हूँ, इनकेस ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपके हस्बैंड आपके साथ ही हो, तो पता होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छा है कि मैंने एक अच्छा सा चेकलिस्ट बना लिया है, मैं इसको ज़रूर फॉलो करूँगी, बहुत ही ईजी होगा। तो आप अपने चेकिंग बैग के अंदर भी किसी भी तरीके का एक्सप्लोजिव आइटम, लाइक जैसे चिप्स नहीं रख सकते हो, पटाखे नहीं डाल सकते हो, है ना, इस तरीके की आप छोटी छोटी चीजें उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं ला सकते हो, और कोई भी चीज बैटरी डाल करके अंदर आप नहीं ला सकते हो, ठीक है, जैसे कि आप टॉर्च वगैरह ले आते हो तो उसमें से बैटरी निकालो फिर उसके अंदर रखो, आप अपने चेकिंग बैग में कोई भी चीज ऐसी ना रखें जिसके अंदर बैटरी हो। फिर नंबर आता है कि आप कितना लिक्विड ला सकते हो अपने साथ, तो मैंने जस्ट अभी बताया है कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आप अपने लिक्विड ला सकते हो, 100 ml से ज़्यादा का बॉटल आप कभी भी ना खरीदें, रिस्क से फ्री हो जाओगे। अगर आप उससे ज़्यादा रखते हो तो हो सकता है कि 150 पर भी वो लोग आपको लाने दें, लेकिन संभावना इसकी भी है कि वो लोग उठा के आपके सामने ही आपका सामान फेंक दें, तो उससे बचने के लिए 100 ml से ज़्यादा किसी भी चीज़ का पैकेट ना खरीदें। फिर ट्रेवल में यार ये जो ड्रेस पहनते हैं लोग ना, बहुत लोग जींस पहन के ट्रेवल करते हैं, बहुत लोगों को जींस हो सकता है कंफर्टेबल लगता हो, बट मेरा हिसाब किताब है कि आप ट्रेवल में बहुत ही कंफर्टेबल ट्राउजर पहनो, लेगिंग्स पहनो, जो भी पहनना है ऐसे कपड़े पहनो जिसको पहन के आप 24 घंटे आराम से रह सकते हो। दूसरी बात, आप अगर कहीं जा रहे हो, जैसे मैं इंडिया से जब चली थी फर्स्ट टाइम, मैं आप लोगों को अपने किसी वीडियो में शेयर की हूँ कि मैं सूट पहनकर आई थी, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, और जहाँ आप उतरते हो आपको पता नहीं होता है कि वहाँ का वेदर उस टाइम पर कैसा है, तो उससे बचने के लिए आप अपने पास कुछ ना कुछ ऐसे कपड़े रखो, गर्म कपड़े जिसको आप फटाफट पहन लो, ताकि लगेज तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन उसके पहले आप अगर खाँपते रहोगे तो कहीं से ठीक नहीं है। तो आप अपना अप्रोप्रिएट कपड़ा अपने पास कैरी बैग में लेकर के ही चलें, बिल्कुल उसको चूके नहीं। मैं भी इससे बहुत कुछ सीख ही रही हूँ, बताते बताते भी मुझे बहुत सारी चीज़ें और भी एक्स्ट्रा याद आती जा रही हैं।
देन फ्लाइट में आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग लगेगा। पानी पीते रहो, जितना ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकते हो। आई नो कि आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, वो भी एक तरीके की परेशानी ही लगती है लोगों को, बट बहुत जरूरी है कि आप पानी पीते रहो कि एनर्जी फील आए, ताकि आप एनर्जेटिक रहोगे तो भी अपने बच्चों का भी केयर कर सकोगे। मैं एक माँ हूँ तो मैं उसी लेवल पर जाकर के बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ तो ही मैं केयर कर सकती हूँ बाकी लोगों का। और पानी पीना उसमें मस्ट आता है, क्योंकि मैं वहाँ का खाना, फ्लाइट का खाना बिल्कुल खा नहीं पाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है खाना, उनका अच्छा होता है, हेल्दी होता है, बट मुझे खास पसंद नहीं है। तो मैं मोस्टली पानी पी करके, थोड़े मोड़े स्नैक्स खा करके ही पूरी फ्लाइट की जर्नी कंप्लीट कर लेती हूँ। देन स्ट्रेचिंग जरूर करो आप बीच बीच में उठ करके, अदरवाइज घुटने में, जब आप बहुत देर के बाद उठते हो तो घुटना आपका काम नहीं करता है, बहुत ही पेन होता है यार। तो मुझे लगता है हर एक घंटे पर आपको उठना है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है, थोड़ा सा चल लो आप, हर तरीके से वो फिट रहता है। बिकॉज 24 घंटे की जर्नी में आप जितना भी कुछ कर लो, फाइनली थोड़ी परेशानी होती ही है, बॉडी में अकड़न हो ही जाती है, तो स्ट्रेचिंग थोड़ी सी आप ज़रूर करो। एंड फिर नंबर आता है प्रिपेयर टू बोर्ड। अगर आपको पता है, क्योंकि अनाउंसमेंट होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर पर कि कब आपकी बोर्डिंग होने वाली है, तो लाइक आधे घंटे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करो। अगर टॉयलेट जाना है तो सबसे पहले टॉयलेट जाओ। मैं 2 बार फंस चुकी हूँ, इवन रिशु इतना अच्छे से प्रिपेयर होकर रहता है, फिर भी वो भी फंस ही चुके हैं एक बार। तो आप पूरी कोशिश करो कि बच्चा हो या आप हो, दोनों लोग, कोई भी जो कि आपके फैमिली मेंबर हो, जरूर चले जाएं आधे घंटे पहले टॉयलेट। क्योंकि टॉयलेट यू नो ऐसी चीज होती है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आप पानी पीना कंट्रोल कर लोगे, खाना खाना कंट्रोल कर लोगे, लेकिन टॉयलेट बहुत ही, आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो कितना अनकंफर्टेबल कर देता है आपको। बहुत लोगों को अगर बहुत देर से आप कंट्रोल किए हो तो वॉमिट जैसे भी आने लगती है। तो आधे घंटे पहले आप निश्चित रूप से सब कुछ अपना पेट खाली करके आ जाओ। टॉयलेट जाना है या फिर 2 नंबर जाना है, जो भी करना है, उसके बाद सब कुछ आप अपना लगेज तो ऊपर से नहीं उतारो, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक चीज नहीं है। बाकी पैसेंजर उससे बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते, तो बहुत सारे लोग अपना लगेज निकाल के सामने रख लेते हैं। प्लीज दूसरे पैसेंजर को अनकंफर्टेबल मत कीजिए। आप यू नो सबके लिए उतना ही मुश्किल होता है जर्नी, तो आप अपनी वजह से किसी और को परेशान क्यों करें। तो लगेज तो आप टाइम पर ही निकालें जब आपको लगे कि आप निकलने वाले हो, लेकिन उसके पहले प्रिपेयर होने से मतलब ये है कि आप अपने सॉक्स पहन लो, शूज पहन लो, अपने जैकेट्स डाल लो, टॉयलेट करके आ जाओ, जो भी चीजें आपको रखनी है। यू नो आदमी 24 घंटे का ट्रेवल करता है तो सब कुछ बिखरा सा रहता है, लाइक मेरे तो बहुत सारे सामान बिखरे हुए रहते हैं, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, तो सारा अच्छे से समेट लें। क्योंकि जब आप निकलने वाले होते हो ना, बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि लोगों का कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। मेरे आंखों के सामने किसी का लैपटॉप छूट गया था और वो बंदा ऐसे भाग रहा था पागलों के जैसे, मेरे को लगा नहीं ये चीज नहीं करना है। तो पहले आधे घंटे पहले 100% रेडी रहो कि अब मेरा सारा सामान समेट चुका है, हमें बाहर अब निकलना है, मेरा कुछ भी नहीं छूटा है। सीट के नीचे भी चेक कर लो, सामने पॉकेट, जो पॉकेट होता है ना ऐसे सीट के आगे हमारे, उसमें भी चेक करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग डाले ही रहते हैं। इतनी लंबी जर्नी होती है कि कहाँ ही घर जैसा बिल्कुल फील आने लगता है। तो हमें एक फॉर्म मिलता है, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें आप कभी भी झूठ ना बोलें, क्योंकि यू नो बहुत सारे लोग मतलब झूठ बोल देते हैं कि हाँ मैंने फूड नहीं लाया है या मैं ये चीज़ नहीं ले जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरीके की परेशानी है। आप अगर एक लिमिट में सब कुछ ला रहे हो, जैसे बहुत लोग ज्वेलरी लाते हैं उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं था। मैंने हर बार किया है, मैं जो भी लेकर के आई हूँ। आप पिकल्स लाते हो तो निश्चित रूप से आप उसको डिक्लेयर करो। सीट्स वाली चीज़ें अलाउड बिल्कुल नहीं होती हैं। आप अपने चेकिंग या कैरी किसी भी बैग में अपनी सीड्स की चीजें नहीं डाल सकते, जैसे मैंगोज हैं या फिर जैक फ्रूट है, लोग उसके बीज वगैरह ले आते हैं, या तुलसी है तो तुलसी के बीज लोग लेकर के आते हैं। तो देखिए इलीगल तरीके से तो आप कुछ भी लेकर के यहाँ आ सकते हो, और बहुत बार आप फंसोगे भी नहीं, लोग नहीं फंसते हैं। लेकिन अगर रेंडम चेकिंग हो गई तो फालतू में लफड़ा खड़ा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, क्या जरूरत है उस लफड़े में पड़ने का। ऐसा US में सब कुछ मिलता है, आप मैनेज कर सकते हो। कुछ चीजें जो नहीं मिलती हैं यार, तो जब अपनी कंट्री छोड़ ही दिए हैं तो थोड़े बहुत परेशानियां तो आपके सामने आती जाती रहेंगी, उन चीजों को मिस करके ही तो अच्छा लगता है ना। और अल्कोहल भी अलाउड होता है, लोग यहाँ से लेकर के इंडिया जाते हैं तो मैंने ये नोटिस किया है कि 2 बॉटल से ज़्यादा आप अल्कोहल नहीं लेकर के जा सकते हो। और ड्यूटी फ्री अल्कोहल आई थिंक आप ज़्यादा लेकर के जा सकते हो, बट नॉर्मल तरीके से किसी स्टोर से जैसे आप खरीदते हो और आपको ले जाना है तो 2 बॉटल से ज़्यादा अलाउड नहीं। देन इमिग्रेशन चेकिंग की बात आती है, फ्लाइट आपकी लैंड हो जाती है तो इमिग्रेशन का नंबर भी आता है। उस टाइम पर लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, स्पेशली हमारे पेरेंट्स या फिर बिल्कुल नए लोग, जैसे मैं पहली बार पैनिक हो गई थी। वो तो अच्छा था कि रिशु मेरे साथ थे तो मेरी बहुत हेल्प कर दी।
रही हैं, वही सब कुछ किए, हेल्प क्यों किए, वही सब कुछ किए। तो आंख बंद करके आने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी आंखें खुली रखो, ताकि किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट नेक्स्ट टाइम ना होना पड़े। आई नो कि एक दो बार तो बहुत परेशानी होती है, इतनी लंबी जर्नी है, लैंग्वेज की भी परेशानी होती है, तो उन चीज़ों को मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रही हूँ। बहुत ही परेशानी आ जाती है सामने, मेरे सामने खुद की जब आई हुई है तो मैं दूसरे को क्या कहूँगी। जब आपका इमिग्रेशन चेकिंग होता है तो उसमें दो चीज़ें तो वो लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, वो कंपल्सरी चीज़ है, फिंगरप्रिंट और आपका डॉक्यूमेंट चेक करना, वो दो चीज़ें होती हैं। कुछ कॉमन सेंस की क्वेश्चन पूछी जाती हैं कि लाइक आप कहाँ आए हो, कितने दिनों के लिए आए हो, जिसके पास आए हो वो क्या करता है, रिलेशन में आपका क्या लगता है, तो ये सारी छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसको बताने में कोई परेशानी हो, जो जो मेन परेशानी होगी वो लैंग्वेज की होगी। मैं हर बार कहती हूँ कि लैंग्वेज वाली परेशानी यार सामने आ ही जाती है। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ ट्रांसलेटर भी होते हैं, आप उनको बुला सकते हो या अपने इशारों में बता सकते हो कि मुझे परेशानी हो रही है बताने में, तो कोई बंदा आकर के, और यू नो आप इमिग्रेशन लाइन में खड़े होते हो तो आपकी ही कंट्री से बहुत सारे लोग होते हैं, कोई ना कोई आपकी हेल्प भी कर देगा। और दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जहां भी आ रहे हो, जहां भी आपको जहां भी जाना है, वहां का एड्रेस और जिस बंदे के पास जा रहे हो वहां का फोन नंबर, किसी बंदे के पास नहीं जा रहे हो, होटल में जा रहे हो तो होटल का फोन नंबर आपके पास होना चाहिए, ताकि आप किसी भी तरीके से फंसो नहीं। तो ये सारी चीजें मेरे चेकलिस्ट के अंदर थी और भी बहुत कुछ, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मुझे नहीं पता कि किसके लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल है, बट मुझे यूज़फुल लगी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहें। और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, सी यू देन, बाय बाय, गुड नाइट।